राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको त्र्यंबकेश्वर कैसे जाएं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पहले कुछ क्या नियम हैं, किस प्रकार की व्यवस्था आप कर ले ताकि आपको परेशानी उठाना ना पड़े, त्र्यंबकेश्वर जाने के बाद आपको साधारण लाइन लगना पड़े या आप VIP लाइन से जल्दी आपका दर्शन हो जाए, आपको परेशानी ना हो, तो हर प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिलता है तो आप जरूर के साथ इसे शेयर करें ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। देवों के देव कहलाने वाले महादेव के देश में कई ऐसे पावन धाम हैं जहां पर सिर्फ दर्शन मात्र से ही शिव भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देश के प्रमुख शिव मंदिरों में द्वादश ज्योतिर्लिंग का विशेष स्थान है। इसमें महाराष्ट्र के नासिक जिले में विराजमान भगवान त्र्यंबकेश्वर बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व रखते हैं, क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां पूजा करने पर व्यक्ति को भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए सबसे पवित्र और पवित्र स्थानों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी नासिक गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में हजारों मंदिर की स्थापना पूरे विधि विधान से किया गया है। सभी मंदिरों का अपना अलग अलग महत्व होता है। पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा मंदिर देखे जाते हैं और ये मंदिर सभी अलग अलग देवी देवताओं पर आधारित होते हैं। ठीक इसी तरह भारत में भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग का अपना अलग ही महत्व है। भोलेनाथ में श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालु इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करते हैं और इस ज्योतिर्लिंग में देश के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं। आज हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, इससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और जब आप त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक प्रतीत होगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहां के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इन्हीं पुण्य तीर्थ गोदावरी के उद्गम स्थल के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद आपको राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलेंगे और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं और यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर का स्थापत्य बहुत ही अद्भुत है जिसको देखकर आप बहुत ही प्रसन्नचित हो जाएंगे। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्व शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबलि की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जिन्हें सभी भक्तजन अलग अलग मनोकामना पूरी कराने के लिए पूजा करवाते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर दर्शन को जाते समय रास्ते में आपको बहुत अच्छे अच्छे और मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको हरिहर फोर्ट, अंजनेरी पर्वत भी मिलेगा, शिव के जैसे पर्वत जो त्र्यंबकेश्वर दर्शन जाते समय आपको मिलेंगे, जो आपको बहुत ही आनंद प्रदान करेंगे। आपका मन शिवमय हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर रूट में काफी बस और प्राइवेट कारें चलती हैं जो आपको हर समय उपलब्ध होती हैं। जब आप श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में प्रवेश करेंगे
तब आपको चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ यह जगह बहुत ही लुभावना लगेगा। पार्किंग एरिया से पहले एक बहुत छोटे से पहाड़ पर एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, जहां भक्त दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। तो जब भी आप त्र्यंबकेश्वर में जाएं तो इस मंदिर में जरूर जाएं। गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद आपको मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगेगा। मंदिर बस स्टैंड से केवल 10 मिनट से पैदल दूरी पर है और इस प्रकार ऑटो की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यहां पैदल आराम से जा सकते हैं। सड़क के दोनों किनारे भी दुकानें सजी हुई हैं और वह रास्ता मंदिर को जाता है। मुख्य द्वार की कतार नंदी मंदिर से होकर गुजरती है, जो शिव मंदिर के सामने बना है। इस नंदी मंदिर को पार करते हुए हम शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं। हम एक बड़े से हॉल में प्रवेश करते हैं, जिसकी छत अंदर से गुंबद के आकार में है। मंदिर में चारों तरफ लाइंस होती है, जो भगवान शिव के दर्शन के लिए जाती है, और बीच का जो खाली हिस्सा होता है, वहाँ पंडित कुछ विशेष प्रकार के पूजा करवाते हैं। वह हिस्से में बैठकर पंडित वहाँ पर, ब्राह्मण वहाँ पर मंत्र का जप करते हैं, वहाँ बैठ के भगवान शिव का ध्यान करते हैं। किसी भी शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में मंदिर सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। जब हम वहाँ पर बैठते हैं, तब हम आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, और ये है मंदिर का अद्भुत नज़ारा। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पहुँचेंगे, तो मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने आपको दर्शन के लिए डोनेशन वाली लाइन मिल जाएगी। इसमें काफ़ी भीड़ लगती है, जिसका प्रति पर्सन 200 रुपया लगता है। अगर आप VIP लाइन से और कुछ ही समय में दर्शन करना चाहते हैं, आप ये VIP टिकट लेकर 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से इस लाइन से टिकट लेकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के सामने का दृश्य कुछ इस प्रकार का है कि जहां द्वार के पास पालकी रखी हुई है, जो हर सोमवार को भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली जाती है, और दोनों तरफ फूल और प्रसादों की दुकानें लगी हुई है। भक्त दर्शन से पहले उन्हीं दुकानों से फूल, बेलपत्र और प्रसाद लेते हैं, और जो आप जूते चप्पल पहनकर गए हैं, वो जूते चप्पल आप उन्हीं दुकानों के पास रख सकते हैं। मंदिर के सामने आपको कई बच्चे और बुजुर्ग मिल जाएंगे, जो आपके माथे पर सुंदर कलाकृति बना देंगे, त्रिशूल बनाएंगे, और बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति ये मंदिर में बनाते हैं, तो आप उनसे जरूर ही ये बनवाना। ये देखने में बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक लगता है। जब मैं त्र्यंबकेश्वर जाती हूँ, तो मैं भी जरूर बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो आप भी जब जाना, तो इसमें ये कलाकृति अपने माथे पे जरूर बनवाना। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की जो भव्य इमारत है, वो सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल आर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर आर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन्हीं लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस आर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। गर्भगृह के सामने एक हॉल है, जिसे मंडप कहा जाता है। उस हॉल में 3 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर खंभों को फूलों, देवी देवताओं, मनुष्यों और जानवरों के डिजाइनों से उकेरा गया है। मगर त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला काफी जटिल और एक साथ रखी गई है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब आप अंदर प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर एक दर्पण ऊंचाई पर रखा गया है, जिसके माध्यम से सभी भक्तजन भगवान शिव के प्रतिबिंब को देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन हमें मिलता है। मुख्य द्वार से वही भक्त प्रवेश करते हैं, जिन्होंने VIP लाइन की डोनेशन वाली टिकटें ली हैं। तो ये टिकटें लेकर मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। भक्त जन हैं, वो सभी पीछे के द्वार से प्रवेश करते हैं, और उस द्वार से प्रवेश करते हुए लाइन में बोलबम का नारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो वह लाइन में काफी समय लगता है, आप 2-3 घंटे, ज्यादा भीड़ होती है तब उसमें 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, अन्यथा 1.5-2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। जब आप मुख्य द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब VIP लाइन शुरू हो जाती है, और VIP लाइन के शुरू होते ही, इन लाइन्स के होते ही भक्तजन नारा लगाते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। लाइन जाती हुई मुख्य मंदिर में मिलती है। जितने भी भक्तजन हैं, जो VIP लाइन में लगे हुए हैं, ये सभी उद्गम का नारा लगाते हुए मुख्य मंदिर में
दर्शन को जाते हैं। ये है प्रवेश द्वार जहाँ से हम मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं और ये है मंदिर का अद्भुत नजारा। मंदिर परिसर में दो पत्थर के पास में एक त्रिशूल रखा हुआ है जहां पर कोई भी भक्तजन नहीं जा सकते हैं। एक तरफ VIP लाइंस लगी हुई हैं और दूसरी तरफ साधारण भक्तजन की लाइन है जो दोनों लाइन से जाकर मुख्य मंदिर में मिलती हैं। इस त्रिशूल के पास जाने की अनुमति किसी भी भक्तजन को नहीं है। सभी भक्त हर हर महादेव के नारों के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आप भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। VIP लाइन के सामने की तरफ नॉर्मल लाइन होती है जो बिल्कुल फ्री होती है। आप उस लाइन में जब आप जाएंगे तब आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। उस लाइन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्वार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर यह पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और असाधारण बात यह है इसके 3 मुख हैं, एक भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र का है। लिंग के चारों ओर एक रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है और इसमें हीरा, पन्ना और कई कीमती रत्न जड़े हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आपको सिर्फ सोमवार के दिन 4 बजे से 5 बजे तक यह मुकुट को दिखाया जाता है। अगर आप संयोगवश, सौभाग्यवश अगर आप सोमवार के दिन पहुंचे हैं तो आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में यह मुकुट को देख सकते हैं। मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के ठीक सामने कुछ गायों को खिला सकते हैं। वहां कुछ औरतें जो रहती हैं वो आपको घास देंगी। कुछ साधारण से पैसे में आपको 10 से 20 रुपए में यह घास मिलेगी और आप गाय को खिलाकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाने से पहले कुशावर्त तीर्थ का दर्शन जरूर करना चाहिए। कुशावर्त महाराष्ट्र राज्य में त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी पर स्थित एक पवित्र जल कुंड यानी कि एक छोटा सा तालाब है। इस कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं। लोगों की ऐसी धारणा है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। तीर्थराज श्री कुशावर्त जब आप जाएंगे तो इसके चारों ओर मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश श्री अपना साहब विचूरकर ने दिए हैं। यह एक प्रमुख तीर्थ माना जाता है। श्री गंगा जी का नाम स्मरण करते ही समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मगिरी का दर्शन करके यम पास से मुक्ति प्राप्त होती है। कुशावर्त में स्नान करने से कैलाश वास प्राप्त होता है और इसकी परिक्रमा करने से प्राप्त होने वाला पुण्य काल अपार है। मुख्य मंदिर से केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर कुशावर्त तीर्थराज नामक एक पवित्र तालाब है। यहाँ से गंगा नदी इस भारत में जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री महर्षि गौतम द्वारा अनजाने में एक गाय का वध हो जाता है। उस पाप से छुटकारा पाने के लिए वह भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। आखिरकार भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और गोदावरी नदी से श्री महर्षि गौतम की शुद्धि के लिए आने का अनुरोध करते हैं। इसके लिए भगवान शिव ब्रह्मगिरी पर्वत की एक चट्टान पर अपने बालों से आघात करते हैं और वहां गोदावरी नदी प्रकट होती है। आगे ब्रह्म महर्षि गौतम गंगा द्वार से बहने वाली गोदावरी नदी को अवरुद्ध करने के लिए कुशावर्त तालाब यानी कुंड का निर्माण करते हैं। कुशावर्त कुंड के पास ही गंगा गोदावरी मंदिर है, तो जब भी आप स्नान के लिए जाएं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले तीर्थराज कुशावर्त तीर्थ जरूर जाएं और आप यहां पर गंगा गोदावरी मंदिर में दर्शन करें और पवित्र जल को अपने माथे पर लगाकर उनको प्रणाम करें। यहां भी शिव जी की मुकुट वाली मूर्ति है जहां भक्त दर्शन करते हैं। आसपास की दुकानों में आपको नारियल, फूल और दिए मिलते हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से गोदावरी की इस कुशावर्त कुंड में समर्पित करते हैं। कुंड के चारों तरफ मंदिर है और बीच में स्नान के लिए कुंड बना हुआ है। कुशावर्त कुंड के बारे में ऐसा कहा गया है, सहस्त्र कार्तिक स्नान माघे स्नानम सतानी च वैसाखे नर्मदा कोटि। कार्तिक मास में सहस्त्र बार गंगा स्नान, माघ मास में 7 बार
गंगा स्नान और वैशाख मास में करोड़ों बार गंगा स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल सिंहस्थ कुंभ मेले के समय त्रि क्षेत्र कुशावर्त में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर दर्शन में पूजा का क्या समय है और कब आरती होती है, किस प्रकार आप पूजा करा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन और पूजा का समय बताएं तो आपको नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खोला जाता है। दिन भर इस मंदिर में पूरे दिन कई तरह की पूजा और आरती होती रहती है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है, यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये दृश्य आपको बहुत ही लुभाएगा। परिक्रमा करते समय ये कुंड आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। जब भक्त मंदिर की परिक्रमा करते हैं तब मंदिर के पीछे इस कुंड में अवश्य जाते हैं और मछलियों को अवश्य रूप से दाना खिलाते हैं। मैं जब भी जाती हूँ तो अपने साथ आटे जरूर लेके जाती हूँ, मुझे मछलियों को आटा खिलाना बहुत पसंद है। तो जब भी जाती हूँ तो ले जाती हूँ और हम पूरे परिवार के साथ मिलकर हम मछलियों को आटा खिलाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध है महामृत्युंजय पूजा। तो अगर आप चाहते हैं कि महामृत्युंजय पूजा करवाएं तो आप अच्छे रूप से इस मंदिर में बहुत सारे पंडित आपको, विद्वान पंडित आपको मिल जाएंगे जो आपको पूजा करवा देंगे। तो आप आसानी से बुकिंग भी कर सकते हैं और बुकिंग नहीं भी कर पाए तो भी आप वहाँ जाकर उन पंडितों से मिलकर आसानी से आप पूजा करवा सकते हैं। ये पंडित आपको बहुत ही अच्छे से पूजा करवा देंगे। महामृत्युंजय की पूजा भक्त पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिलाने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए करते हैं। यह पूजा सुबह 7 से 9 बजे के समय होती है, तो आप इस समय में यह महामृत्युंजय की पूजा करवा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है, इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यहाँ हर सोमवार के दिन भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली जाती है। ये पालकी मंदिर से कुशावर्त ले जाई जाती है और फिर वहाँ से वापस मंदिर लाई जाती है। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, तो उस दिन आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगा। भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य का उस समय दर्शन करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना होती है, जिसके कारण सालों भर इस मंदिर में लोग आते रहते हैं। मंदिर के पीछे एक गायत्री मंदिर है, तो आप वहाँ भी जरूर दर्शन कर लें, माँ का आशीर्वाद ले लें। मंदिर के आसपास काफी सारी दुकानें हैं जिसमें आप घर ले जाने के लिए प्रसाद ले जा सकते हैं। कई तरह के पेड़े भी आपको जरूर पसंद आएंगे। दुकानों में सिंदूर, प्रसाद, कई तरह के शिवलिंग, रुद्राक्ष, अलग अलग प्रकार के शंख, बहुत सारी उपयोगी सामानें मिलती हैं। जब भी आप त्र्यंबकेश्वर आएं, यहाँ पर मिलने वाला दूध जरूर पिए। इन कढ़ाइयों में जो दूध मिलता है ये बहुत ही टेस्टी मिलता है, इसको पीकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप इन दूध को पिएंगे, यह दूध आपको अवश्य रूप से पसंद आएगा। तांबे की बहुत तरह की चीजें मिलती हैं मंदिरों के आसपास, तो आप वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको तांबे की अंगूठी, तांबे का सिक्का और तांबे के अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं। मंदिर में 2 तरह की लाइनें होती हैं, एक साधारण और एक VIP, जिसमें 200 रुपए की एक पर्ची कटाकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का मेन गेट जहां से हम VIP लाइन के लिए जाते हैं, साधारण लाइन में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से भीड़ पर निर्भर करता है। मुख्य द्वार से सिर्फ 15 से 20 मिनट में मंदिर में प्रवेश आपको मिल जाएगा। मंदिर से जब भी आप दर्शन करके निकलें तो मंदिर परिसर में आप बहुत सारे पिक ले सकते हैं अपने पलों को यादगार बनाने के लिए। मंदिर परिसर में शिवलिंग है, तो वहां भी आप जरूर प्रणाम करें और जरूर पूजा करें वहां पर। मुख्य मंदिर के जैसा ही 3 लिंग है जो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव का प्रतीक है, तो इस मंदिर परिसर में बना हुआ यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रतीक
शक्ति रूप, इसे भी आप जरूर प्रणाम करें, इसकी भी अवश्य रूप से पूजा करें। मुख्य मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग से जब अभिषेक किया जाता है तो वहां से जो पवित्र जल निकलता है, मुख्य मंदिर से निकलने वाले पवित्र जल जो सभी भक्त अपने साथ ले जाते हैं, तो उसे आप भी अपने साथ ले जा सकते हैं। मकेश्वर गाँव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से पूरी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबक के लिए बस, ऑटो या टैक्सी कुछ भी ले सकते हैं। टैक्सी या ऑटो लेते समय आप मोल भाव का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। पूरे नासिक घूमने के लिए आपको टैक्सी 2500 से ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आप 2000 में पूरा नासिक घूम सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक की यात्रा का सबसे अच्छा समय क्या है। अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय आपको अक्टूबर से मार्च का है, क्योंकि इन महीनों में सर्दियां हल्की होती है। यह यात्रियों के लिए सबसे पीक सीजन माना जाता है। इस दौरान यहां सभी चीजें महंगी भी हो जाती हैं और भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपके पास कम बजट है तो मानसून का मौसम आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा श्रद्धालु पूरे साल इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, इसलिए जब भी समय मिले आप यहाँ की प्लानिंग कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर सड़क मार्ग द्वारा बहुत अच्छी तरह से पुणे और मुंबई से भी जुड़ा हुआ है। परिवहन की बसों, लग्जरी बसों या फिर टैक्सी से त्र्यंबकेश्वर आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आने वालों के लिए रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर जगह आपको रास्ते में लॉज और होटल्स मिल जाएंगे। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर मंदिर की संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको त्र्यंबकेश्वर के बारे में काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट अवश्य करिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए लाभकारी रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।